इमिटेशन बोर्ड खारिज करो। आपके माध्यम से हम जनता को ये बताना चाहते हैं, जो खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो अत्याचार बीजेपी सरकार में हो रहे हैं, या जो तानाशाही सरकार जो इस पर सेंटर से चल रही है और इन्होंने यूटी के बजाय इसको यूपी बना दिया है। यहाँ डिलिमिटेशन कमीशन की जो ड्राफ्ट प्रपोजल आया है, हालांकि इन्होंने वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाया है, लेकिन फिर भी जो उसके टिप्स मिले हैं उसमें इन्होंने सरासर जो दलित वोट है उसको बाइफर्केट करके, क्योंकि वो बीएसपी को जाता था, जहाँ जहाँ सांबा में कठुआ में उनके जो गांव थे, जो स्ट्रांग होल्ड थे, जो पटवार हल्के थे, उनको उठा करके पता नहीं कहाँ कहाँ मिला दिया। ईस्ट में वेस्ट वाला जो है वो ईस्ट में, ईस्ट वाला जो है वो साउथ में, इस तरह की रिपोर्ट जो पेश की है वो सरासर निंदनीय है। हम उसको रिजेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि रिपोर्ट लोगों की मर्जी के मुताबिक, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग हुई थी उसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, उन्होंने अपनी राय दी थी कि किस तरह डिलिमिटेशन हो, तो उसके बाउंड्रीज बनाने के लिए इन्होंने बिल्कुल बीजेपी सरकार को मद्देनज़र रख करके, और हम तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ये किसी बीजेपी सरकार के ऑफिस में बैठ करके रिपोर्ट बनाई गई है। मोरे डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट पे जो है वो उनकी लगी है, डिलिमिटेशन कमीशन की लगी है, लेकिन रिपोर्ट जो है वो बीजेपी के कार्यालय में बनाई गई है। इसको कमीशन को वापस करना चाहिए, और लोग जो है ये जो सर और पांव को जोड़ने का काम कमीशन ने किया है ये निंदनीय है, और ये डेमोक्रेसी के लोगों के साथ मजाक है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डिलिमिटेशन कोड खारिज करो, खारिज करो। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।